मां के निधन के 15 दिन बाद अक्षय खन्ना ने शुरू किया काम। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बोली ये बात। बीजेपी सांसद रहे अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना अब एक ऐसी फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिस पर बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म होने के आरोप लग रहे हैं। अमर उजाला ने एक खास मुलाकात में अक्षय से उनकी इस फिल्म के बारे में जानने की कोशिश की। अक्षय ने फिल्म से जुड़े असल किरदारों को निभाने के अनुभव और उनकी कुछ और आने वाली फिल्मों के बारे में बताया। फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लिए हां करने से पहले किन किन चीजों पर गौर किया आपने? जिस किताब पर यह फिल्म आधारित है और जिसने यह किताब लिखी है वे पीएमओ में तो काम करता था, वह मनमोहन सिंह को कई सालों से जानता था। बारू के पिताजी नरसिम्हा राव के भाषण लिखते थे और मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव को अपना गुरुवार मानते थे। यह कहानी है कि दो आदमियों के बीच में दोस्ती कैसे बनती है और कैसे टूटती है। तीसरा, मुझे वो दुनिया बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये दुनिया हम सब ने सिर्फ बाहर से देखी है। चौथा, कि मुझे मेरा किरदार बहुत पसंद आया। इससे पहले भी आप गांधी माई फादर में एक असल किरदार को पर्दे पर जीत चुके हैं। कितना मुश्किल होता है पर्दे पर किसी और को जीना? मेरे लिए दोनों ही फिल्में आसान इसलिए रही क्योंकि हरिलाल गांधी बहुत कम लोगों को मालूम है। संजय बारू जी का जो किरदार है उनके बारे में काफी लोग जानते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जानते हैं कि उनका बोलने का तरीका कैसा है। दूसरी बात ये कि हमारे निर्देशक विजय घुटे को ऐसा लगा कि एक ही किरदार है जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ और मैं अपना कुछ बना सकता हूँ। विजय ने आपको मना किया था संजय बारू के बारे में जानने के लिए, पर इंसान की फितरत होती है कि जिस चीज के बारे में मना किया जाए वे वही करना चाहता है। आपके मन में कोई उत्सुकता रही उनके बारे में अलग से कुछ जानने की? नहीं, जब आप अपने निर्देशक पर पूरा विश्वास रखते हो तो पूरा विश्वास रखो, आधा मत रखो। मैं शायद बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, पर मैं यह कह सकता हूं कि विजय घुटे में देश को एक अच्छा स्टोरी टेलर, एक अच्छा निर्देशक बहुत समय बाद मिला है। वैसे सियासी तौर पर आप किसी राजनीतिक दल के समर्थक हैं? यह मेरा निजी मामला है और मैं इस चीज पर बिल्कुल भी नहीं जवाब देना चाहता हूं क्योंकि मुझे राजनीति की समझ नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुका हूं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की राजनीति को हमें नेताओं के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आने वाली फिल्में कौन सी हैं आपकी? एक फिल्म है सेक्शन 375 जो कि एक कोर्ट रूम ड्रामा है। ये एक ऐसा कानून है जिस पर हम बहस करना चाहते हैं। संसद में क्या होता है, बहस की तो होती है। वह कानून को लेकर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? बहस तो समाज में होनी चाहिए।